वालेकुम मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा ये लेक्चर ये वीडियो जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वहाँ से ही है और आज का हमारा टॉपिक है द हाईएस्ट, लार्जेस्ट डीपेस्ट एंड बिगेस्ट तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे पहले दी एंजल फॉल्स वाटर फॉल्स हैं ये दी एंजल फॉल्स हाइस्ट वाटर फॉल्स इन द वर्ल्ड जो एंजल फॉल्स हैंक्चुअली ये हैं साउथ अमरीका के जो कंट्री है वहां पर वेनेजिला वहां पर लोकेटेड है द एंजल फॉल्स द हाइएस्ट वाटर फॉल्स इन द वर्ल्ड और जो वहां पर माउंटेन्स हैं द इंडेज माउंटेंस वहां पर यह लोकेटेड हैं और अगर सवाल आ जाए द मोस्ट ब्यूटिफुल वाटर फॉल्स तो वो होंगे न्याग्रा फॉल्स जो कि यूएसए और कनाडा के बिल्कुल बाउंड्री पर वाकई है तो ये है द एंजल फॉल्स द हाइएस्ट वाटर फॉल्स इन द वर्ल्ड उसके बाद है अमेज़न रिवर द अमेजन रिवर द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड लिसन नाउ, एक होता है लॉन्गेस्ट रिवर बड़ा मशहूर है वह है नाइल अफ्रीका के अंदर वह है लॉन्गेस्ट लेंथ के हवाले से यहां लिखा मैंने लार्जेस्ट रिवर लार्जेस्ट हम कहते हैं जो वॉल्यूम है वाटर का पानी का जो वहां पर जो अमाउंट है उसके वजह से ऑन द बेसिस ऑफ द दा वॉल्यूम ऑफ वाटर द अमेजन रिवर इज नोन एज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और ये है साउथ अमेरिका में और ये स्टार्ट है पेरू से एंड इट एंटर्स इन टू ब्राज़ील इसका तकरीबन नाइन्टी परसेंट जो रिवर का है ब्राज़ील के अंदर एंड इट फॉल्स इन टू द एटलांटिक ओशन उसके बाद द यंगी रिवर दंगजी रिवर द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर इन एशिया एशिया का लार्जेस्ट भी है लॉन्गेस्ट भी है यंगजी रिवर चीन के अंदर है चीन के अंदर तो चाइना का भी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कहलाएगा और एशिया के अंदर भी जो है ये एशिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर है यंगजी रिवर इन चाइना और यंगजी के नाम पर कुछ तैलीमी इदारे कुछ यूनिवर्सिटीज भी जो है वहां पर बनाए हैं चीन ने उसके बाद है लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड द एंड यू नो साउथ अमेरिका में है जो वेस्टर्न एरिया इलाका है साउथ अमेरिका का वहाँ पर लोकेटेड है ये दंडेज माउंटेन्स लेंथ के हवाले से दुनिया के सबसे जो हैं वो, है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला टिल दी साउदर्न पार्च ऑफ चिल्ली एंड अर्जेंटाइन वहाँ पर लोकेटेड है अगर बात की जाए जो हाइएस्ट माउंटेन पीक है वह है दाउंट एवरेस्ट है जो कि द हिमालज पर यह लोकेटेड है नेपाल के अंदर द हिमालयाज माउंटेन रेंज है उसका जो हाइएस्ट पीक है वो है आ, एवरेस्ट जो कि नेपाल के अंदर वहां पर है तो एवरेस्ट है हाईएस्ट पीक हाइट के वाले से और द द जो है ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ये कहलाते हैं के अंदर। उसके बाद है लापाज लापाज एक सिटी है शहर है द हाइएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, द हाइएस्ट कैपिटल सिटी बिल्कुल सी लेवल से जो हाईएस्ट है वह है लापाज और यह है सिटी लापाज है इन साउथ अमेरिका उसका जो है वो कैपिटल सिटी है लापाज हाइएस्ट कैपिटल सिटी याद कीजिएगा अगर हाइएस्ट टाउन की बात की जाए द हाइएस्ट टाउन इन द वर्ल्ड वो है लहासा लहासा कैपिटल सिटी ऑफ तिब्बत दो तिब्बत जो एक ऑटोनस टेरेट्री है चीन का उसका जो कैपिटल सिटी है ल, लहासा तो वो है दुनिया का हाईएस्ट टाउन ठीक है ना अगर बात की जाए हाईएस्ट कैपिटल सिटी तो वो है यहां पर लापाज तो लापाज हाईएस्ट कैपिटल सिटी और लहासा हाईएस्ट टाउन वो चीन के अंदर है उसके बाद है द रो रिवर रोय द रिवर द शॉर्टेस्ट रिवर इन वर्ल्ड द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड दुनिया का सबसे छोटा रिवर द रोय रिवर लॉन्गेस्ट कौन सा है द नाइल ठीक है ना और ये शॉर्टेस्ट रिवर इन द यूएसए अमेरिका में है और जो मेसपी है सॉरी मेजोरी इट इज अ ट्रिब्यूटी ऑफ मेजोरी रिवर और कोई इसकी जो लेंथ है मेरे ख्याल में कुल मिलाकर वह है कोई 61 वन मीटर्स रोय रिवर द शार्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। उसके बाद द केसपेन सी द केसपेन सी द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लिस नाउ यहां लिखा मैंने सी मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि सी क्या है और लेक क्या है हमेशा जो पानी है लेक का वह है फ्रेश वाटर लेक इनलैंड वाटर है जमीन के अंदर है रिवर

तो केस्पेंट सी इज एक्चुअली इनलैंड वाटर इट इज लेक साल्टी वाटर इट्स कॉल्ड सी तो दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर यानी के लार्जेस्ट लेक ये कहलाता है अगर सवाल आ जाए द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो वो होगा लेक सुपीरियर जो बाउंड्री है यूएसए और कनाडा का वहां पर लोकेटेड है तो लेक सुपीरियर जो है द लार्जेस्ट लेक इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर अगर फ्रेश वाटर की बात ना की जाए तो ये होगा फिर सी। उसके बाद है वोल्गा रिवर द वोल्गा रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप यूरोप का सबसे जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर वो है वोल्गा और ये रशिया के अंदर रशिया का जो 25 परसेंट यूरोप के अंदर है तो वहां है वोल्गा रिवर द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप उसके बाद है लेके बेकल, लेके बेकल, द डीपेस्ट लेक इन वर्ल्ड यह है साइबेरिया के अंदर साइबेरिया क्या है द पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया जो यूरल माउंटेन्स हैं दे डिवाइड रशिया इन टू पार्ट्स यूरल से वेस्ट में रशिया कहलाएगा यूरोप का हिस्सा यूरल के ईस्ट में जो है रशिया कहलाएगा एशिया का हिस्सा तो 75% परसेंट जो रशिया है एक्चुअली वो एशिया के अंदर है और उसको हम कहते हैं साइबेरिया सरेबिया एक मुल्क है बाल्कन कंट्रीज के अंदर साउदर्न यूरोप के अंदर स, 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 सरेबिया और ये साइबेरिया रशिया का वो इलाका जो कि एशिया के अंदर है तो लेके बिकल द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन साइबेरिया पार्ट ऑफ रशिया इन एशिया उसके बाद है दी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस लाइब्रेरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कांग्रेस लाइब्रेरी द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो है वो कांग्रेस uh, लाइब्रेरी है वो है वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर उसके बाद है दू एस ए कैनाडा बॉर्डर द यूएसए कनाडा बॉर्डर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिना में किसी भी दो कंट्रीज के दरम्यान में जो सबसे जो लेंथी uh, बाउंड्री है लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो है द यूएसए कनाडा बार्डर सबसे बड़ा बार्डर ये बिटवीन एनी टू कंट्रीज सेकंड पे आएगा कजाकिस्तान और रशिया बाउंड्री और मेरे ख्याल में थर्ड पर आएगा चिली और अर्जेंटाइन बाउंड्री तो बहरहाल ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं आ, लार्जेस्ट बिगेस्ट डीपेस्ट लॉन्गेस्ट के हवाले से और मुझे उम्मीद है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनमें आपको ये हमारा आपका जो आ, जो हमारा जो लेक्चर है आज का ये ये आपको बहुत ही फायदा देगा कुछ और भी हम बनाएंगे ये इसका पार्ट वन है हम आगे चलेंगे पार्ट टू पार्ट थ्री इस लिहाज से जो आपको बहुत ही जो है वो फायदा दे सके थैंक यू सो मच स्टेबलिस्ट अल्लाह हाफिज़